आनंद मोहन की रिहाई पर बिहार सरकार की मंत्री लेसी सिंह ने बयान दिया है। मंत्री लेसी सिंह ने कहा कि आनंद मोहन की रिहाई से हम लोगों को बहुत खुशी है और सरकार ने नियम कानून के तहत ही काम किया है। देखिए, इसमें विधि सम्मत रिहाई की गई है, इसमें प्रावधान है कानून में, इसलिए किया गया है। इतने दिनों तक जेल में रहे, ऐसा नहीं है कि जेल में वो नहीं रहे हैं। और आनंद मोहन जी के साथ 27 लोगों के लिए भी किए गए, ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति के लिए ऐसा किया गया है, जिसमें सभी जाति सभी धर्म के मानने वाले लोगों के लिए भी खुशी है। और ख़ास तौर पर आनंद मोहन जी हमारे इलाके के हैं और उनसे पारिवारिक संबंध है, हम लोगों को सरकार के इस तरह के निर्णय से खुशी है। और अभी हम देखे नहीं हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने क्या ट्वीट किया है, नहीं किया है, हम देखे नहीं हैं। बिना देखे उस पर कोई प्रतिक्रिया देना उचित नहीं रहेगा, लेकिन जो भी कार्रवाई सरकार ने की है वो विधि सम्मत की है, कानून सम्मत की है, इसमें कानून से हटके नहीं किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के नेता रिहाई पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हीं से जाकर पूछिए। सरदार कहीं की फिर कैसे चले गए? देखिए, ये सब भारतीय जनता पार्टी के लोग भी तो बहुत सारे ऐसे कदम उठाए हैं, वो पहले अपने वो लोग देख ले, या जो और लोग कह रहे हैं। तो राजनीति में बहुत बात समय के अनुसार होता है और कौन क्या कहता है राजनीति में, सभी लोग अपने अपने हिसाब से बोलते रहते हैं समय समय पर। इसलिए अभी जो देश की हालात है, देश में जो समस्या है, देश में जो बेरोजगारी है, भूखमरी है, जो लोग परेशान हैं, त्रस्त हैं केंद्र की सरकार के रवैये से, अभी ज़रूरत है कि सभी विपक्ष के जितने भी दल हैं उनको एकजुट करके जो अभी केंद्र की सरकार है उसको कैसे सत्ता से बेदखल किया जाए, ये हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कभी किसी के लिए कोई अपशब्द नहीं कहते हैं, और अब कौन क्या बोलते हैं, कब क्या बोले हैं, वो तो रिकॉर्ड हम लोग के पास है नहीं, लेकिन हमारे नेता न किन्हीं कोई भी राजनेताओं के खिलाफ, कोई भी चाहे विरोधी दल के भी राजनेता हो, कोई इस तरह का अपशब्द या कुछ मर्यादा पूर्ण बात ही करते हैं। और हमारे नेता में वो क्षमता है कि सबको एकजुट करेंगे, और हम लोग तो चाहेंगे, हम लोग जैसे कार्यकर्ता की देश के बागडोर हमारे नेता को मिले, हम लोग कार्यकर्ता हैं, हमारे नेता ऊंचाई पर पहुंचे, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं कि हम कोई प्रधानमंत्री के दावेदार नहीं हैं, लेकिन हम विपक्षी नेताओं को एकजुट करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग यदि कहीं जाते हो राजनीतिक कारणवश, कोई दूसरे राज्य में उनके बड़े बड़े नेता, तो वो सही है। हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी जो विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए हैं, उस मुहिम में लगे हुए हैं, तो ये उन लोगों को गड़बड़ लगता है। अपना जाते हैं तो वो लोग, उनके नेता जाते हैं भारतीय जनता पार्टी को, तो सही लगता है राजनीतिक कारणवश। हमारे नेता जा रहे हैं तो उन लोगों को खराब लगता है, तब उनकी सोच है, कहीं कोई जा सकते हैं और कोई भी कोई बात कर सकते हैं राजनीतिक हित में, देश के लोगों के हित में। जो अभी देश में माहौल है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे नेता ने कहा है, हम सभी विपक्षी दलों को एक मंच पर लाएंगे, एकजुट करेंगे, ताकि जो सत्तासीन सरकार है, जो जनता में नाराजगी है, जनता का भलाई नहीं हो रहा है, उनका सब मिल के मुकाबला करेंगे, यही इसी मुहिम में लगे हुए हैं। आनंद मोहन के सक्रिय राजनीति में भाग लेने पर उन्होंने कहा कि अभी तो रिहाई की प्रक्रिया जब खत्म होगी उसके बाद वो खुद बताएंगे। पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।